वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम लोग जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले, लेटेस्ट अपडेट भी देखने वाले, उसी के साथ यहाँ पे फाइनेंशियल नंबर्स भी चेक करेंगे। तो फाइनेंशियल नंबर्स भी चेक करेंगे जो कि इन्वेस्ट करने के पहले सभी को देखना चाहिए। तो क्या फाइनेंशियल नंबर्स है, तो यहाँ पे अभी हम लोग फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में टेक्निकल चार्ट एनालिसिस भी देखेंगे, कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लग सकता है यहाँ पे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक को, वो भी यहाँ पे देखने वाले। तो यहाँ पे बात करते हैं फ्राइडे के दिन की, तो फ्राइडे के दिन यहाँ पे आप देख सकते 1.65 पे क्लोजिंग दी थी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक ने, 3% अप था। तो पिछले 5 दिनों की भी बात किया तो पिछले 5 दिनों में यहाँ पे 5% से ज़्यादा गिरावट हो चुकी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते कि 1.60 पे आके यहाँ पे 2 दिन से यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक। पर 1 मंथ की भी बात किया तो 1 मंथ में जैसे यहाँ पे आप देख सकते कि 2 लेवल को ब्रेकआउट दिया, तो 2 लेवल के बाद यहाँ पे गिरावटी नज़र आ चुकी थी। अभी रिसेंटली सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है 1.55 to 1.60 लेवल के बीच में। तो यहाँ पे फाइनेंशियल नंबर्स की भी बात की जाए तो फाइनेंशियल नंबर्स यहाँ पे देख सकते हो, तकरीबन जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देख सकते हो, 2083 करोड़ का मार्केट कैप है। तो करंट प्राइस है 1.65 का, और 52 वीक लो 52 वीक हाई की भी बात किया तो देख सकते हो 52 वीक हाई 52 वीक लो। स्टॉक का पी भी देख सकते हो, तकरीबन स्टॉक का पी नहीं है, बुक वैल्यू माइनस में है, और डिविडेंड यील्ड भी नहीं है, आरओसी है माइनस में, रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हो नहीं है, बुक वैल्यू ₹10 का है। तो डेप्ट कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है करंट ईली यहाँ पे देख सकते हो कि जो चालू डेप्ट है 5134 करोड़ का कर्जा है कंपनी के ऊपर अभी का। नेट प्रॉफिट की भी बात किया तो नेट प्रॉफिट कंपनी का देख सकते हो 1304 करोड़ का है माइनस में, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉस में है 1304 करोड़ का करंट ईयर का। थर्ड क्वार्टर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1000 माइनस में ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 1300 माइनस में लॉस हो चुका है, 1300 करोड़ का यहाँ पे माइनस में लॉस होता हुआ नजर आ रहा है अभी तक थर्ड क्वार्टर के बाद। EPS भी देख सकते हो माइनस में, कंपनी की जो सेल्स हो चुके हैं अभी करंट ईयर में 1468 करोड़ के यहाँ पे सेल्स हो चुके हैं थर्ड क्वार्टर के बाद के, उसी के सेल्स में से यहाँ पे आप देख सकते कि थोड़ा भी प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा यहाँ पे आप देख सकते कि 1300 करोड़ माइनस में चल रहा है अभी भी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक। टोटल एसेट्स की भी बात किया तो टोटल एसेट देख सकते हो 6452 करोड़ के टोटल एसेट्स है। प्रोमोटर होल्डिंग भी देख सकते हो तकरीबन 3% की, जो कि प्रोमोटर होल्डिंग पूरी प्लेस्ड है। सबसे पहली बात तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे बहुत ही कम है, थोड़ी सी है प्रोमोटर होल्डिंग है, उसमें भी यहाँ पे देख सकते हो कि पूरे के शेयर्स प्लेस्ड है। एक साल के अंदर कितना रिटर्न दिया तो 83% का रिटर्न दिया है अभी तक जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक ने एक साल के अंदर। तो बाकी के डिटेल देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोज एंड कॉन्स की बात है, तो प्रोज में आपको एक भी चीज़ नहीं दिखाई जाएगी, और कॉन्स में देखा जाए तो बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सेकंड पॉइंट है कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पोअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 9.08% और लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों में कंपनी ने यहाँ पे आप देख सकते कि पोअर सेल्स ग्रोथ दिखाया है पिछले 5 सालों में। और थर्ड चीज़ है प्रोमोटर होल्डिंग इज लो, तो प्रोमोटर होल्डिंग की बात तो हमने की है, बहुत ही लो, बहुत ही कम प्रोमोटर होल्डिंग, बहुत ही छोटी प्रोमोटर होल्डिंग है। तो कॉन्टेंगेंट लाइबिलिटीज ऑफ ₹1487 करोड़, जो लाइबिलिटीज है यहाँ पे आप देख सकते कि डेब्ट है, वो भी यहाँ पे आप देख सकते कि 1487 करोड़ का यहाँ पे टोटली डेब्ट है। प्रोमोटर होल्डिंग की भी बात किया तो प्रोमोटर होल्डिंग हैव प्लेज 100% ऑफ देयर होल्डिंग, मीन्स यहाँ पे ये भी बात हम लोगों ने की थी कि प्रोमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे आप देख सकते टोटली प्लेज्ड है 100% की। और प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ बीन डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में प्रोमोटर होल्डिंग 16% से कम हो चुकी है, तकरीबन 16.72% की कम होते हुए नज़र आ चुके अभी तक पिछले 3 सालों में। तो बात करती है पेयर कंपैरिजन की, तो पेयर कंपैरिजन में देख सकते हैं सेक्टर भी देख सकते हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड इंफ्रा सर्विसेज का यहाँ पे इक्विपमेंट का यहाँ पे सेक्टर है। तो यहाँ पे आप देख सकते कि कौन कौन से कंपटीटर्स है, तो पहली चीज़ है IDI, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए शेयर का कंपटीटर है, 95 पे प्राइस चालू है, उसी में आते हैं जीटीएल इंफ्रा सेकंड नंबर पे है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे सेकंड नंबर पे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट नंबर पे ITI जिसका 8896 का यहाँ पे मार्केट कैप है। तो यहाँ पे आप देख सकते कि दोनों में से यहाँ पे आप देख सकते बहुत सारे कंपटीटर्स है देखे जाए तो, और क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे सेल्स देखे जाएंगे दिसंबर 2021 के हिसाब से, दिसंबर 2021 के जो सेल्स हो चुके थे 3371 करोड़ के हो चुके थे, जैसे सितंबर के हो चुके थे 3364, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते थे कि पिछले कई क्वार्टर्स की बात देखी जाए तो यहाँ पे
जो सेल्स हो चुके थे तो वो तकरीबन सेम सेल्स है या फिर कई क्वार्टर से, कई सालों से। एक्सपेंसेस भी देख सकते हो, तकरीबन इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते 32 करोड़ के, जैसे कि सेप्टेम्बर क्वार्टर में था 97 करोड़ का। आधा इनकम भी देख सकते हो बहुत ही कम है। इंटरेस्ट लगा के 107 का दिसंबर क्वार्टर में इंटरेस्ट था, और डिप्रिसिएशन था 125 करोड़ का। तकरीबन उसी की वजह से आप देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस में चला गया था, और फिर टैक्स कटने के बाद आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट वो -197 करोड़ का है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के लिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की भी बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस टीटीएम और 2021 के हिसाब से, तो टीटीएम के हिसाब से देखा जाए तो आप देख सकते हैं सेल्स हो चुके थे 1468 करोड़ के, और मार्च 2021 के भी 1410 करोड़ के हो चुके थे। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं टीटीएम थर्ड क्वार्टर के बाद भी सेल्स अच्छे हो चुके, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो चुके, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 182 करोड़ का है करंट ईयर का, और आधा इनकम देखी जाए तो वो आधा इनकम में भी माइनस है। इंटरेस्ट एंड डिस्प्रिशन कटने के बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है 1304 करोड़ का आता है, वही लास्ट पिछले साल था 1271 करोड़ का। तो थर्ड क्वार्टर के बाद अभी भी एक क्वार्टर का बाकी है, तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कि सेम है जैसे कि था 1271 2021 का, और 2022 करंटली चालू है उसमें भी आप 1304 माइनस में। कई सालों से आप देख सकते कि प्रॉफिट जो है जीटी इंफ्रास्ट्रक्चर का माइनस में चल रहा है अभी भी। तो यहाँ पे अभी देखेंगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी देख सकते हो पिछले 10 ईयर से। तो बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं टोटल लायबिलिटीज जो कंपनी के है 6452 करोड़ के टोटल लायबिलिटीज है, और यहाँ पे कैश फ्लो की बात करते हैं मार्च 2021 के हिसाब से कैश फ्लो 218 का है। रेशियोज़ की भी बात करते हैं तो रेशियोज़ आरओसी देख सकते हो माइनस में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो तकरीबन यहाँ पे 3.41 से अभी रिसेंटली 3.33 हो चुका है। FII की होल्डिंग भी देख सकते हो 2.20 से यहाँ पे 1.90 कम हो चुके। DII की होल्डिंग 66.40 से तकरीबन 51 पे आ चुके हैं रुके, और पब्लिक होल्डिंग 27.89 से तकरीबन यहाँ पे 43 पे जा चुके हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग चार्ट एनालिसिस भी चेक करेंगे यहाँ पे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के लिए। तो है मंथली चार्ट फ्रेम, यहाँ पे जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के लिए चार्ट एनालिसिस में देख सकते हैं कि जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ऊपर से नीचे आ चुका है। रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 रुपये के नीचे ट्रेडिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस देता हुआ गिरावट हो चुकी थी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में, जैसे कि ब्लू लाइन दिख रही है वही ट्रेंड लाइन है। तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही ट्रेंड लाइन के पास ट्रेडिंग करता हुआ नजर आया, उसी ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा फिर गिरावट हो चुकी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंथली चार्ट पे में जो सपोर्टिव हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है वो एक तो है 1.30 जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव का काम करेगी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के लिए। वहाँ से बाउंस बैक होती है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिलता है तो और एक अच्छा शार्पनेस देखने को मिल सकता है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के अंदर। तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को 4 लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट हो जाएगी, क्योंकि 4 लेवल पे भी पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले गए थे। तो उसके बाद 8 लेवल तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिए गए थे जो इंपॉर्टेंट है। 4 लेवल, 4 लेवल ब्रेकआउट होती है तो अगला टारगेट 8 लेवल का ही मिल सकता है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के अंदर। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के लिए।